लगा आपको माता जी के दर्शन करके भाई, आपको कैसे लगा? गुड मॉर्निंग, आज 5 अक्टूबर, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गया हूँ और पी रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद जाएंगे हम जिम गाड़ी बनने। सो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। लिए हैं हम जिम के लिए और सर्दी हो गई बहुत ज़्यादा, तो बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। और आज का टारगेट है हमारा 700 कैलोरीज, तो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस आ गए हैं जिम और चालू कर रहे हैं ट्रेडमिल पर हमारा कार्डियो। सो गाइस, ट्रेडमिल पर कर दिया हमने कार्डियो स्टार्ट, और आज का टारगेट था 500 to 600 कैलोरीज बर्न करना सिर्फ ट्रेडमिल से। सो 15-20 मिनट के बाद इतना पसीना आने लगा कि बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, बट टारगेट तो मुझे कंप्लीट करना था। सो जैसे तैसे एंड में आफ्टर 45 मिनट्स 603 कैलोरीज बर्न कर ली, और बहुत पसीना आ गया था, मज़ा आ गया था एकदम पसीने में नहा के। उसके बाद करी स्किपिंग गाइस, स्किपिंग मैंने करी 500 से 700 के बीच में, और कैलोरीज मेरी हो गई थी अप्रॉक्स 800 से 1000 कैलोरीज बर्न कर ली थी। फिर चले गए हम फ्रेश होकर रूम के लिए, कंप्लीट और कैलोरीज भी हो गई हमारी बर्न अच्छे से। सुनता आपको सुन स्टेडियम जिम से, और पनीर भी ले आए, दूध भी ले आए, दही भी ले आए और पीनट्स भी ले आए। सो अब मैं प्रिपेयर करता हूँ मेरा उपवास की मील, और आज सैटरडे तो थोड़ा सा लेट जाएंगे बिकॉज बस चलती नहीं है, सो अपने साधन से जाएंगे जैसे तैसे, और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सुबह से। और डे 3 आज 90-day चैलेंज का, और अच्छे चल रहा है मेरा 90-day चैलेंज, अभी तीसरा दिन है, बट आई होप सो सब आगे अच्छा होगा। सो मिलता हूँ आपको फ्रेश होकर रेडी होकर बढ़िया से, स्टे ट्यून्ड। ये हमारी उपवास की मील, पनीर भुर्जी विद पीनट्स एंड बॉइल पटेटो, इसमें सिर्फ मैंने जीरा पाउडर यूज़ करा, काली मिर्च और सेंधा नमक। सो इसे पैक कर दो टिफिन में, फिर निकल जाएंगे हम नहा धोकर कॉलेज के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। रेडी और पी रहे हैं अब दूध विद प्रोटीन, और फिर निकल जाएंगे कॉलेज के लिए, तो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। गाइस बहुत लेट हो गए बट निकल गए कॉलेज के लिए, बस पिपलानी से लेंगे बस या टेम्पो, फिर जाएंगे धीरे धीरे करके कॉलेज जैसे तैसे। सो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। में हमने पंच कर दिया है, चेक इन कर दिया, क्योंकि सैम कैश हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ जाते जाते आधे घंटे और लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वो 5-7 किलोमीटर और दूर है। सो जाता हूँ जैसे तैसे, बस मिल जाए तो। मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। फाइनली हार थक के 1.5 घंटे में पहुँच गए हम सैम ग्लोबल हॉस्पिटल हमारे, अब जा रहे हैं कैबिन में। मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। आते से ही चालू हो गया। 12 और खा रहे हैं हम एक बनाना, डाटा भी आया नहीं कल का भी आज का भी, सो देखते हैं कोई मूवी फिर पढ़ाई करेंगे। सुन पाको सुन स्टेडियम, और ब्लॉग भी एडिट कर रहा हूँ, ब्लॉग डालना है। सो बताओ सुन स्टेडियम। भाई हम सब दोस्त जा रहे हैं अब कंकाली मंदिर दर्शन करने माता जी के, मिलता हूँ। सो गाइस हम सारे फ्रेंड्स इंटर्न्स बढ़िया से बाइक से जा रहे थे कंकाली माता मंदिर माता जी के दर्शन करने, नवरात्रि चल रही है। सो बढ़िया से अच्छी वादियों में हमने गाड़ियाँ चलाई, उसके बाद जैसे तैसे 15 से 20 मिनट के बाद हम पहुँच गए मंदिर, और सब जाए थे मंदिर की तरफ, प्रसाद वरसाद लिया हमने और माता जी के करे दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए कंकाली माता जी के दर्शन, जय माता दी। उसके बाद दर्शन करके चले गए हम वापस कॉलेज के लिए माता जी के दर्शन करके। आपको डेली आता हूँ माता जी के दर्शन करके। भाई आपको कैसे लगा? सो गाइस कॉलेज आ गए थे, फिर हमारे लिए दीदी ने बनाई थी कॉफ़ी, कॉफ़ी पी, और यहाँ पर वैभवी के एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप, पूरी पगला गई है। फिर चलेगा हमारे कैबिन में काम करने के लिए। हो गई है हमें बहुत ज़्यादा सर्दी, एलर्जी समझ सकते हो आप, हो जाती है मुझे बाइक से ज़्यादा। सो अब पी रहे हैं कॉफ़ी, दीदी बना के लाई थी हमारे सब इंटर्न्स को कॉफ़ी।
पे मिलती है। सो फिर उसके करेंगे रेस्ट और अभी बता रहे हैं ढाई, मंदिर से भी आ गए, माता के दर्शन भी कर लिए। सो गाइस बज गए हैं 4:30 और हम जा रहे हैं अब साइन आउट करने हमारे इंटर्नशिप को, और एक सर के साथ जाएंगे हम कार से। सो रूम जाएंगे, रेस्ट करेंगे, मतलब आपको सून, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस कर रहा हमने हमारा साइन आउट इंटर्नशिप को, और हमारे सर हैं उनके साथ कार से हम चले गए थे वापस रूम, रूम जाकर करा रेस्ट, फिर हम निकल गए थे जिम के लिए। और आज करेंगे ट्राइसेप बाइसेप और एब्स और साइड के एक्सरसाइज। सो मिलता आपको सून, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आ गए थे हम हमारी जिम मसल पार्क, और ये हमारे जोकर भाई, आई नो यू वांट मी इन अ जिम एंड आई एम एट द जिम। चले गए ऊपर, करा वार्म अप कॉफ़ी पीकर, उसके बाद कर दिया हमने हमारा वर्कआउट चालू ट्राइसेप बाइसेप का। सबसे पहले मैंने बाइसेप से स्टार्ट करा, मेरा जो बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट था डंबल से स्टार्ट करा बाइसेप का पहला वर्कआउट। इसके मैंने 5 सेट मारे, पहला जो सेट था उसके रेपिटेशन 50-60 थे लो वेट में। उसके बाद मैं चले गए केबल्स की तरफ, केबल पे मैंने बाइसेप के 2-3 एक्सरसाइजेस करी, और उनका जो पहला और दूसरा सेट रहता था उसका मैं बहुत लाइट वेट से हाई रैप्स मारता था, अप्रॉक्सीमेटली 40-60 के बीच में। उसके बाद बाइसेप वर्कआउट करने के बाद हमने करा ट्राइसेप वर्कआउट, इसमें भी सेम रहता है गाइस, पहला और दूसरा जो सेट रहता है वो हाई रेपिटेशन इसका रहता है, और जो एंड का सेट रहता है या तो 2-3 एक्सरसाइज में मैं ड्रॉप सेट मार लेता हूँ या मैं हैवी वेट से कम रैप्स मारता हूँ। उसके बाद हमने ये चौथी एक्सरसाइज करी ट्राइसेप की, और बहुत ज़्यादा थक गए थे बिकॉज सुबह भी जिम आने लगे हैं कार्डियो करने के लिए और शाम में भी। फिर उसके बाद गाइस एंड करा मैंने अपना बाइसेप वर्कआउट ड्रॉप से, और बहुत मज़ा आ गया, पूरा पंप अप हो गई थी पूरी बॉडी और बाइसेप ट्राइसेप भी। उसके बाद चले गए हम नीचे, कंप्लीट अब जाने नीचे, एब्स की एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा सा करेंगे कार्डियो। सो गाइस पहली एक्सरसाइज करी मैंने बाइसाइकिल एप्स की, जो एक्सरसाइज है मैं तो इसे बाइसाइकिल बोलता हूँ, इसके मैंने 4-5 सेट मारे रेपिटेशन से 50-100 के बीच में। उसके बाद मैंने लेग रेजेस करे, इसके भी जो सेट थे वो 5 थे, रेपिटेशन 15-20 के बीच में थे। एप्स की एक्सरसाइज बहुत दिन से करी नहीं है तो थोड़ा धीरे धीरे ट्राई करता हूँ कि हाई रेपिटेशन करूँ। उसके बाद गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्लैंक, इसके मैं 4 सेट करता हूँ 30-40 सेकेंड्स के सुबह शाम। उसके बाद चालू करते हैं हम हमारी फास्टर कार्डियो रनिंग, और बहुत मज़ा आता है गाइस, बहुत रनिंग कर एकदम सांस ऐसी फूल जाती है ना, बट बहुत मज़ा आता है। 2-2.5 किलोमीटर दौड़ा 15 की स्पीड में, 15-18 मिनट के बीच में। उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था, हमने रेस्ट करा, पानी पिया, पानी पी के जाएंगे मंदिर, फिर वहाँ से जाएंगे रूम, बहुत ज़्यादा थक गए। और थर्ड डे का भी हमने सक्सेसफुली डाइट अच्छे से पूरा वर्कआउट कार्डियो सब अच्छे से करा। सो मिलता आपको सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फिर करें हनुमान जी के हमने दर्शन, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद निकल लिए हम रूम की तरफ, और नवरात्रि का टाइम चल रहा तो बहुत अच्छा लग रहा था। रूम और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सैलेड मैंने खा लिया है वहाँ से तो खाना खा नहीं सकते, बट कोई ना। सो ब्लॉग को करता हूँ एंड, और कल सुबह कार्डियो करके निकल जाएंगे हम घर के लिए, फिर शाम में वापस आ जाएंगे थोड़ा काम घर पर। सो मिलता हूँ आपको सून, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी लाइक दैट।